हम सीधी दात्री माता की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नौवे दिन नवरात्रों में इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम सीधी दात्री की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नौवे दिन नवरात्रों में इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ सीधी दात्री निराली, सब सिद्धियाँ देने वाली। माँ सीधी दात्री निराली, सब सिद्धियाँ देने वाली। भक्तजनों, आज नवरात्रों का नौवां दिन है। आज के दिन पावन नवरात्रों का समापन हो जाता है। नवरात्रि के नौवें दिन माता सिद्धिदात्री के रूप की पूजा की जाती है। माता सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। माता का ये रूप संपूर्णता का प्रतीक है भक्तों। माता सिद्धिदात्री का पूजन करने से भक्तों को सभी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। तो लीजिए सुनते हैं माँ सिद्धिदात्री की महिमा योम कथा और पूजा की विधि। विष्णु शिव शंकर जी शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नौवें दिन नवरात्रों में इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ सीधी दात्री निराली, सब सिद्धियाँ देने वाली। माँ सीधी दात्री निराली, सब सिद्धियाँ देने वाली। प्रिय भक्तजनों, माता सिद्धिदात्री का ये रूप बड़ा ही अलौकिक है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। माता सिद्धिदात्री जगत की संपूर्ण शक्तियों को अपने आप में समेटे हुए हैं भक्तों। इनके पूजन करने वाले भक्तों के लिए कुछ भी अगम्य नहीं रहता। कथा को हम दोहराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नौवें दिन नवरात्रों में इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ सीधी दात्री निराली, सब सिद्धियाँ देने वाली। माँ सीधी दात्री निराली, सब सिद्धियाँ देने वाली। भक्तजनों, माता सिद्धिदात्री का अवतार कैसे हुआ और इनका नाम सिद्धिदात्री क्यों पड़ा, आइए इसकी एक बड़ी ही पावन गाथा है। कहते हैं जब असुरों के अत्याचारों से सभी देवतागण परेशान हो गए तो वो ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी की शरण में आए। तीनों देवताओं ने मिल
शक्ति को उत्पन्न किया भक्तों, उन्हीं शक्ति का नाम माता सिद्धिदात्री पड़ा। बताते हैं पावन कथा सुनाते हैं, नौवें दिन नवरात्रों में इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ सिद्धिदात्री निराली सब सिद्धियाँ देने वाली, माँ सिद्धिदात्री निराली सब सिद्धियाँ देने वाली। प्रिय भक्तजनों, माता सिद्धिदात्री वही रूप है जो सभी देवताओं और ब्रह्मा विष्णु महेश जी की शक्ति से उत्पन्न हुई थी। कहते हैं भगवान भोलेनाथ ने अर्धनारीश्वर रूप प्राप्त करने के लिए इन्हीं के रूप को ध्याया था, तभी वो अर्धनारीश्वर बन पाए थे भक्तों। चली ना उन्हें बताते हैं पावन कथा सुनाते हैं, नौवें दिन नवरात्रों में इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ सिद्धिदात्री निराली सब सिद्धियाँ देने वाली, माँ सिद्धिदात्री निराली सब सिद्धियाँ देने वाली। भक्तजनों, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने समस्त जीवों का नर के रूप में ही निर्माण किया। ऐसे में भोलेनाथ उनसे कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, यदि सृष्टि में केवल नर ही नर होंगे तो ये सृष्टि आगे कैसे बढ़ पाएगी? आखिर एक दिन इन सब का अंत हो जाएगा और फिर से आपको सृष्टि की रचना करनी पड़ेगी, अतः आप नर के साथ साथ नारी का भी रूप बनाए ताकि वे वंश को आगे बढ़ा सकें। जिसके लिए करने को तपस्या भोले जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, नौवें दिन नवरात्रों में
सुनाते हैं। माँ सिद्धि दात्री निराली सब सिद्धियाँ देने वाली, माँ सिद्धि दात्री निराली सब सिद्धियाँ देने वाली। प्रिय भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी को बताया कि नारी के बिना तो सृष्टि का आगे बढ़ना ही संभव नहीं है। जब एक दिन ये नर वृद्ध हो जाएंगे तो मृत्यु को भी प्राप्त अवश्य होंगे, और जब इनका कोई वंशज ही ना होगा तो सृष्टि फिर से नष्ट हो जाएगी। भगवान, सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए आपको नारी की रचना करनी होगी। जब ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे मन में नारी की रचना का कोई विचार नहीं आ रहा, नारी की रचना कैसी होनी चाहिए, भोलेनाथ आप ही बताएं। भोलेनाथ नारी का स्वरूप ब्रह्मा जी को दिखाना चाहते थे, किंतु ये संभव ना था। इसके लिए उन्होंने माँ सिद्धिदात्री का ध्यान लगाया। भक्तों, भोले ध्यान लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, नौवें दिन नवरात्रों में इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ सिद्धि दात्री निराली सब सिद्धियाँ देने वाली, माँ सिद्धि दात्री निराली सब सिद्धियाँ देने वाली। भक्तजनों, इसीलिए कहते हैं कि माँ सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों की दाता हैं। जब भगवान स्वयं भोलेनाथ ने ही इनके रूप का ध्यान किया था तो समझिए माता का ये रूप कितना महान और कल्याणकारी होगा। भक्तों, पावन कथा सुनाते हैं, नौवें दिन नवरात्रों में इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ सिद्धि दात्री निराली सब सिद्धियाँ देने वाली, माँ सिद्धि दात्री निराली सब सिद्धियाँ देने वाली। प्रिय भक्तजनों, तो आइए अब हम माता सिद्धिदात्री की पूजा विधि का वर्णन करेंगे, जिससे माता सिद्धिदात्री अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर कृपा बरसाएंगे। रंग के
जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नौवें दिन नवरात्रों में इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ सीधी दाती निराली, सब सिद्धियाँ दे देवाली। माँ सीधी दाती निराली, सब सिद्धियाँ दे देवाली। प्रिय भक्तजनों, क्योंकि आज नवरात्रों का समापन हो जाता है, इसलिए नवमी के दिन हवन करवाने की भी प्रथा है, जिसमें माँ सिद्धिदात्री सहित सभी देवों का आवाहन भी किया जाता है। भक्तों, माँ सिद्धिदात्री के नाम की आहुति हवन में दी जाती है, तत्पश्चात आरती करके भक्तों में प्रसाद वितरण किया जाता है। भक्तों, पर कृपा आपकी हो वो चमक ही जाती है, पावन कथा सुनाते हैं। नौवें दिन नवरात्रों में इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं।